आज अपना जो चैप्टर है वो ड्रिलिंग मशीन का ही कंटिन्यूशन है। जो उसमें पिछले सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था ड्रिलिंग मशीन की टाइप्स कौन कौन सी होती है, ठीक है ना। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ड्रिलिंग मशीन पे क्या क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं, ठीक है, और उस पर टूल्स कौन कौन से अपन काम में लेते हैं, ठीक है, जैसे रीमर है या अलग अलग जो प्रोसेसेस है वो बताया मैंने, ठीक है ना। तो इन सब के बारे में बताया था। अब अपन आ जाते हैं कि जो ड्रिलिंग मशीन है उसको पे वर्क होल्डिंग और टूल होल्डिंग डिवाइसेस, क्योंकि आखिर कोई काम करेंगे तो वर्क को भी होल्ड करना पड़ेगा मशीन पे और टूल को भी होल्ड करना पड़ेगा, उसके लिए बताएंगे। तो बहुत छोटा सा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस वाले में, क्योंकि थोड़ा सा ही पोर्शन इसका बचा है, फिर अपन नेक्स्ट नेक्स्ट नया शुरू करेंगे, वो अगले लेक्चर से शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो आज हमारा जो है बेसिकली ये है ड्रिलिंग मशीन की वर्क होल्ड और टूल होल्डिंग डिवाइसेस, वर्क और टूल को किस तरह से हम होल्ड करते हैं उन डिवाइसेस के बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहले अपन आ जाते हैं टूल होल्डिंग डिवाइसेस, आगे बढ़ते हैं। तो टूल होल्डिंग डिवाइसेस जो होती है, जैसे कि नाम से डिनोट हो रहा है, ये क्या काम करेगी, टूल को होल्ड करेगी, ठीक है ना। तो ड्रिल मशीन स्पिंडल में टूल को लगाया जाता है, ठीक है ना, और जनरली जो स्पिंडल जो होता है ना, पीछे की तरफ से जो आगे जहाँ फिट करते हैं वहाँ पर टेपर्ड होता है, तो वहाँ पर किस तरह से फिट कर सकते हैं उसके लिए होता है। तो इसके लिए एक जो मोस्ट जो तरीका है वो है, एक तो है चक्स यूज में ले सकते हैं, स्लीव्स काम में लेते हैं, सॉकेट काम में लेते हैं। तो इनको एक एक करके देख लेते हैं कि चक है, तो चक वैसे आप नाम सुन चुके हो, किस में, लेथ मशीन में सुना होगा नाम, है ना। लेथ मशीन में चक क्या काम आते हैं, वर्क को होल्ड करने के लिए चक के ऊपर अपन लगाएंगे, ठीक है ना। तो वैसे ही अपन इसके अंदर लगाएंगे, इसमें क्या करेंगे कि अपन चक मतलब बेसिक काम करने का तरीका वही है, बस ये कि इसमें चक जो होते हैं वो छोटे साइज के होते हैं और लेथ मशीन में थोड़े बड़े साइज के चक होते हैं, इतना सही फर्क है। बाकी काम करने का तरीका वही इनका, कि चक में क्या होती है, तीन जा होती है, वो जा आके और उसको वर्क पीस को पकड़ लेगी और उसको उनको लूज करेंगे तो वर्क पीस बाहर निकल सकता है। तो इस केस में हम वर्क पीस नहीं लगा के टूल को लगाएंगे। ये किसी का माइक ऑन है, इसको म्यूट कर दो, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है, ठीक है। तो इस चक को, चक जो है वैसे इसमें तीन जा होती है, जा के बीच में वहां पे तो हम वर्क पीस लगा देते हैं लेथ में, इसमें हम क्या लगाएंगे, टूल को लगाएंगे, और टूल को लगा के और चक से हम टाइट करेंगे। अब टाइट करने के लिए दो तरीके, एक तो होता है चाबी से की होती उसके साथ, और एक होता है की लेस। तो इन दोनों के ही बारे में मैं बता देता हूँ। ये आपको, ये पहले तो चक का डायग्राम ये दिखाया गया इंटरनल, कि इसमें जैसे ये जो है ना, ये तीन जा है, एक ये पीछे की तरफ है, ये तीन जा है, ठीक है ना। इन जा को हम क्या करेंगे, ये ऊपर की जो स्लीव है, ये स्लीव, इस स्लीव को घुमा के इन जा को लूज या टाइट कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। तो इसको तो, और ये ऊपर का जो पोर्शन है यहाँ पे, ये वाला, ये स्पिंडल के अंदर लगता है, यहाँ पे एक टेपर्ड वो लगा रहता है और ये स्पिंडल के लगेगा, और यहाँ पे हमारा जो है टूल लगेगा, तो इस तरह से इसमें हो जाएगा। तो और दूसरा, और ये भी वैसे ही होता है, सेल्फ सेंटरिंग होते हैं। जब हम इसको ये बाहर की ये स्लीव जो है, ये वाली जो है स्लीव, इसको घुमाएंगे तो क्या करेंगे, ये तीनों जा पास आके और उसको वर्क पीस को पकड़ लेगी, इसको उल्टा घुमाएंगे तो वापस लूज हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से टूल को हम इसमें लगा सकते हैं। अब ये इसको जो घुमाने के लिए या जो तरीका है वो हम की से करते हैं या हाथ से करते हैं, वो डिपेंड करता है कि की है या की लेस है। तो जैसे यहाँ पे आपको ये ग्रूव दिख रहे होंगे, तो आपने देखा होगा कहीं पे, इन ग्रूव से हम क्या करते हैं कि यहाँ पे की लगा के और उसको करते हैं। तो ये अगले डायग्राम में आपको दिख जाएगा कि जैसे ये की टाइप होती है, उसमें क्या होता है, ऐसे ये की होती है, ये की को हम क्या करेंगे, इस होल में लगाते हैं इसके, और इसके ऊपर ये जो गियर्स छोटे छोटे बने हुए, पिनियन जो बना हुआ है, ये इसके ऊपर यहाँ से एंगेज हो जाता है, और जब हम इस की को घुमाते हैं तो ये स्लीव घूमती है और इसको जा को टाइट या लूज कर सकती है, ठीक है ना। उसका उल्टा क्या होता है, की लेस में क्या होता है कि यहाँ पे कोई की नहीं होती, यहाँ पे बस ये होती है, हम हाथ से स्लीव को घुमा देते हैं, यहाँ पे क्या रफ की हुई सरफेस होती ताकि अच्छी हमारी ग्रिप बने, है नर्लिंग की हुई होती, जैसे लेथ में करते हैं ना नर्लिंग, ठीक है, तो नर्लिंग की हुई होती है। तो इस नर्लिंग के कारण हम हाथ से इसको घुमाते हैं और यहाँ पे जो तीनों जा होती है वो इसके कस जाती है या लूज हो जाती है उसी के हिसाब से होती है। तो बस ये डिफरेंस, फर्क ये होगा कि इसमें थोड़ा हम
की जो होती है तो उससे हम क्या ज्यादा अच्छा टाइट कर पाएंगे, हाथ से थोड़ा कम कर पाएंगे, तो थोड़ा सा ये हो सकता है कि यहाँ पे हम छोटी ड्रिल बिट्स काम में लेते हैं या थोड़ी सी बड़ी काम में ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि चक वाले में हम बहुत ज़्यादा बड़ी साइज की नहीं लेते, क्योंकि इसमें क्या लोड बहुत ज़्यादा होता है, तो हमारे को बहुत ज़्यादा टाइट करना होता है, तो वो जनरली की से या इससे नहीं हो पाता है। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, स्लीव्स काम में लेते हैं। ये है ड्रिल स्लीव्स। स्लीव्स जो होती है वो इस तरह की होती है, आपने देखा होगा। इसको क्या होता है, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, ड्रिल को फिट कर देंगे, ठीक है। अब और ये वाला जो पार्ट है, ये जाके किस में लग जाता है, स्पिंडल के अंदर। तो अब क्या, इसके अंदर क्या होता है कि ये भी टेपर्ड होता है और बाहर से ड्रिल भी टेपर्ड होती है। बाहर से जब प्रेशर पड़ेगा, जैसे ये अंदर से ये इस तरह से टेपर्ड है और बाहर से ड्रिल भी टेप है, वो भी ऐसे टेपर्ड है, तो अंदर जाके जब प्रेशर पड़ेगा तो ये बिल्कुल अंदर जाके बिल्कुल टाइट हो जाती है। तो फ्रिक्शन से ऐसे ही टाइट हो जाती है, इसको हम आराम से इससे काम में ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से ये जो सॉकेट होती है, यूज फॉर हॉर स्पिंडल सॉकेट, कई बार क्या होती है कि ये जो स्लीव जो होती है ना, ये बड़े साइज के ड्रिल को लेती है। अब कोई कई बार क्या होता है, छोटे साइज के ड्रिल बिट्स होते हैं, तो उनको फिर करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, सॉकेट काम में लेते हैं, ठीक है ना। इस सॉकेट में क्या छोटा वाला लगेगा, फिर ये वाली जाके स्पिंडल के अंदर लग जाएगी। तो इस तरह से, तो इस ड्रिल बिट को, ड्रिल को लगाना तो बहुत आसान है, अंदर पुश करेंगे और फ्रिक्शन से फिट हो जाएगी। लेकिन क्या होता है, इसको निकालना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब आप अंदर जाके फिट होगी तो बाहर खींचना, क्योंकि अंदर फ्रिक्शन इतना ज़्यादा होता है कि बाहर आप हाथ से तो खींच नहीं सकते। तो उसके लिए क्या करते हैं कि इस तरह से ये मैकेनिज्म होता है, इसमें क्या होता है, ये आपका जैसे स्पिंडल है, ये आपका स्पिंडल है, तो इस स्पिंडल के अंदर ये आपका ये ड्रिल बिट या ये स्लीव जो है ऐसे टेपर्ड लग जाती है, ठीक है। अब ये टेपर्ड लग गई और इसमें काफ़ी फ्रिक्शन से बिल्कुल लगी हुई है। अब हमारे को अगर इसको निकालना है तो क्या, इस साइड में ये छेद होता है, इस छेद से क्या करते हैं, अब एक रिफ्ट होती है ऐसी, ड्रिल रिफ्ट, ये ऐसी है ना, इसको क्या करते हैं हम इसके अंदर ठोकते हैं, अंदर ठोकते तो ये क्या, यहाँ से इसको जो स्लीव या जो भी है इसको पीछे धक्का लगेगा और धक्का लगेगा और ये आगे सरक जाएगी। आप यहाँ से इसको क्या खींच नहीं सकते, यहाँ से खींचना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम पीछे से इस तरह से पुश कर देते हैं। ये पुश करने का जो है इसमें समझाया हुआ है, ये ऐसी रिफ्ट काम में लेते हैं, इनको कहते हैं ड्रिल रिफ्ट, जो ड्रिल को बाहर निकालने के काम आती है, ठीक है ना। तो ये ड्रिल रिफ्ट का ये मैकेनिज्म समझाया हुआ है, ये आपकी ड्रिल लगी हुई है। अब हम क्या करेंगे, ड्रिल जो ड्रिफ्ट जो है ना, ये ड्रिफ्ट जो है हम इसको यहाँ पे लगा के और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हथौड़े से ठोकेंगे, ठोकेंगे तो ये अंदर जाएगी, अंदर जाएगी तो इसको नीचे की तरफ पुश करेगी और ये नीचे की तरफ पुश करके इस तरह से ये मशीन से बाहर आ जाएगी। तो इस तरह से हम ड्रिल ड्रिफ्ट को जो है काम में लेते हैं, ठीक है ना। तो ये तो बताया मैंने, मतलब कौन सी टूल होल्डिंग डिवाइस है जिसमें आपके चक आ गए, स्लीव आ गई, सॉकेट आ गया, ठीक है, ड्रिल ड्रिफ्ट से कैसे फिट करते हैं इसके बारे में बताया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है वर्क होल्डिंग डिवाइसेस, क्योंकि टेबल पे जो वर्क को भी हमारे को बिल्कुल टाइटली होल्ड करना पड़ता है, तो किस किस तरह से हम कर सकते हैं। तो इसके लिए मेनली चार तरह के काम में लेते हैं, एक तो टी बोल्ट काम में लेते हैं, एक आती है ड्रिल प्रेस वाइस होती है, एक स्टेप ब्लॉक्स काम में लेते हैं और ड्रिल जिग काम में लेते हैं। तो इनको एक एक करके अपन देख लेते हैं। ये जो डायग्राम दिखाया गया है ना, ये टी बोल्ट का है, ये टी बोल्ट का डायग्राम है। टी बोल्ट में क्या करते हैं कि यहाँ पे जो टेबल जो होती है उस पर इस तरह से टी स्लोट होता है और जो बोल्ट होता है उसके भी टी शेप होता है। तो वो बोल्ट क्या होता है, हम साइड से अंदर सरका देते हैं, उसकी जहाँ भी पोजीशन है वहाँ पर पहुँचा देते हैं, उसके बाद जो वर्क पीस है उसको वहाँ पर ला के यहाँ पर नट या बोल्ट से हम इसको टाइट कर देते हैं। ये टी बोल्ट इस तरह का शेप होता है, नीचे का शेप बिल्कुल टी शेप में होता है और अंदर टी स्लोट बने हुए होते हैं। तो इस टी स्लोट से साइड से हम सरका के हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। टी बोल्ट्स एंड क्लैंप्स, और इसके साथ हम क्या क्लैंप्स काम में लेते हैं, इस तरह के क्लैंप। क्लैंप पे क्या होता है कि जब यहाँ पे ये क्लैंप यहाँ पे इसके ऊपर लग जाएगा यहाँ पे, तो आगे जाके इसको इस पर टाइट करेगा, मैं आगे डायग्राम में भी बता दूंगा, ठीक है ना। वर्क डायरेक्टली क्लैंप ऑन द टेबल एंड टी बोल्ट फिटेड ऑन द टी स्लोट्स, वर्क जो टेबल पे डायरेक्ट फिट करके और इस तरह से हम इसको लगाते हैं, ठीक है ना। क्लैंप एंड स्ट्रेप, और स्ट्रेप बोलते हैं इनको, ये क्लैंप इस तरह के होते हैं। इन दोनों की हेल्प से हम किस तरह से लगा सकते हैं, ये डायग्राम में आपको दिखेगा। ये यहाँ पे आप देखोगे तो ये टी बोल्ट है, ठीक है ना। तो टी बोल्ट पे यहाँ पे ये आपका ये क्लैंप है, ये क्लैंप इस तरह से लग जाता है। ये वर्क पीस है, वर्क पीस में कोई ग्रूव है यहाँ पे आके लग जाएगा और हम इस टी बोल्ट से टाइट करेंगे तो ये वर्क पीस बिल्कुल इसमें टाइट हो जाएगा। तो इस तरह से ये वाला जो क्लैंप कहलाता है ये फिंगर क्लैंप कहलाता है, ठीक है ना। ये अलग अलग तरह, ये फिंगर क्लैंप है, ये यू क्लैंप है, ये स्ट्रेट क्लैंप है। इस तरह से क्लैंप लगा के हम इसको इस तरह से इसको फिट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा और होता है गूज नेक क्लैंप। गूज नेक मतलब
थोड़ा सा इसकी जो ये नेक जो है लंबी हो जाती है। इसमें क्या होता है, अंदर स्लोट में फिट नहीं करके इसको ऊपर की तरफ ही डायरेक्ट इस पर लगा देते हैं और ये टी बोल्ट से हम इसको टाइट कर देते हैं। तो इस तरह की जो होती है इसको गूज नेक क्लैंप बोलते हैं, और वो जो था अपना स्ट्रेट क्लैंप था, ठीक है ना, इस तरह से हम क्लैंप से लगा सकते हैं। दूसरा होता है ड्रिल वाइस। ड्रिल वाइस जो है, वाइस से ही नाम डिनोट हो रहा है कि वाइस जो होती है, इस तरह की ये वाइस होती है, इस वाइस को हम क्या टेबल पे टी बोल्ट से लगा देंगे और अब इस वाइस पे हम वर्क पीस को यहाँ पे जाग से कस के और इसमें लगा सकते हैं। इसका फायदा क्या होता है कि बेसिकली जैसे टी बोल्ट है तो टी बोल्ट में हम लगाएंगे तो वो तरीका तो सस्ता है क्योंकि बोल्ट वगैरह सब सस्ते होते हैं, लेकिन अब इसमें क्या बार बार टूल को सेट करना, सॉरी वर्क पीस को सेट करना और उसको टाइट करना, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। तो अगर हमारे को ज़्यादा काम करना हो तो फिर इस चीज़ में थोड़ी दिक्कत आती है। इसकी बजाय अगर वाइस हो तो क्या होगा, जस्ट यहाँ से हैंडल से हमने लूज़ किया और लगाया, नया पीस यहाँ पर लगाया और आगे कर लिया। तो वाइस से ये हेल्प मिलती कि हम थोड़ा फास्ट काम कर सकते हैं, थोड़ा जल्दी काम कर सकते हैं और ज़्यादा हैवी वर्क भी इस पर कर सकते हैं। तो इस तरह से ये ड्रिल वाइस जो है इस तरह की होती है, इसको हम काम में लेते हैं, ठीक है ना। फिर आता है स्टेप ब्लॉक। स्टेप ब्लॉक में आपको जैसे डायग्राम में दिख रहा होगा, ये इस तरह का स्टेप ब्लॉक होता है। ये आपका वर्क पीस है, ये वर्क पीस है, ये आपका क्लैंप है और ये स्टेप ब्लॉक है, ये ऐसे स्टेप्स में बना हुआ है। तो अब इसकी क्या हम क्या हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, तो वर्क पीस की जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा करके और हम इस वर्क पीस को लगा के और फिर हम यहाँ पे इसको टाइट कर देंगे। ये स्टेप बोल्ट का स्टेप ब्लॉक का एग्जांपल है। ये आपका स्टेप ब्लॉक है, ये आपका वर्क पीस है। तो वर्क पीस में हम क्या करेंगे, ये क्लैंप लगाया और क्लैंप लगा के टी बोल्ट से हम इसको टाइट कर देंगे। अब ये किस स्टेप पर सेट होगा वो इसकी हाइट पर डिपेंड करेगा। तो इस तरह से हम इसको सेट करके और हम अलग अलग वर्क पीस को लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये स्टेप ब्लॉक इस तरह से हम यूज ले सकते हैं, ठीक है। ये क्लैंपिंग सेट अलग अलग, ये पूरा आता है अलग अलग तरह के, अलग अलग शेप में, अलग अलग हाइट में, इस तरह से ये क्लैंपिंग ब्लॉक का सेट इस तरह से आता है, इसको हम यूज में ले सकते हैं, ठीक है ना। ये लगाए हुए हैं, जैसे ये क्लैंपिंग ब्लॉक लगाए हुए हैं, ये टी बोल्ट है, ये वर्क पीस है आपका। वर्क पीस पे यहाँ पे हमने इस क्लैंप को टाइट कर दिया है, टाइट करने से ये बिल्कुल यहाँ पे फिट रहेगा। दो तीन लगा दिए, अब हम एक तो जहाँ जहाँ पे भी होल्ड करने हैं इसको हम इस तरह से होल्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इसके क्लैंपिंग बोल्ट। फिर आता है ड्रिल जिग। ड्रिल जिग जो है ये क्या होता है, जब हमारे को बहुत ज़्यादा ड्रिल करने होते हैं एक ही जैसे ऑब्जेक्ट पर, जैसे एक ही जैसे ऑब्जेक्ट है कई सारे, जैसे मास में हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कई सारे होते हैं, तो हम फिर क्या करते हैं कि हमारे को थोड़ा फास्ट काम करने के लिए हम क्या करते हैं कि स्पेशली उस वर्क पीस के लिए डिज़ाइन करते हैं। तो इस तरह से जिग होती है। जिग में क्या होता है कि यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे हमारे को जैसे फॉर एग्जाम्पल ड्रिल करना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, वर्क पीस को सीधा यहाँ पे लगाएंगे, बोल्ट को ये हम परमानेंट इसको फिक्स कर देंगे यहाँ पे। ये वर्क पीस है आपका, ये वर्क पीस है, यहाँ जैसे होल करना है यहाँ पे और यहाँ पे होल। तो वर्क पीस को हम क्या करेंगे, ये जो बाहर वाला ये बुश है, ये सर ये क्लैंपिंग बोल्ट है, इसमें सबको हम बाहर निकाल लेंगे। ये वर्क पीस रखा और इसको वापस उसी पोजीशन पे तुरंत लगा के और उसको टाइट कर। अब इसमें हमारे क्या करना पड़ेगा, ये जो नट है ना, खाली ये नट खोलना है और वर्क पीस को निकाल लेंगे, नट को वापस नया वर्क पीस लगा के नट लगा के इसको उसी पोजीशन में लगा देंगे। तो ये काम क्या थोड़ा फास्ट हो जाता है। तो इसमें क्या एक ही तरह के अगर कई सारे वर्क पीस होता है तब ये जिग काम में लेते हैं, तो उसको कहते हैं ड्रिलिंग जिग। ड्रिलिंग जिग बेसिकली क्या करती है कि वर्क पीस को होल्ड भी करती है और टूल को गाइड भी करती है। ये टूल को गाइड करने का भी इसमें आता है कि टूल किस डायरेक्शन में जाएगा उसको भी गाइड करती है। तो ये दोनों ही काम करती है ड्रिलिंग जिग, ठीक है ना। तो ये है। फिर एक आता है वी ब्लॉक। वी ब्लॉक कब काम में लेते हैं, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है ना वो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट हो। सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट होगा तो आप क्या होगा, हम टेबल पे सिंपल रखेंगे तो वो लुढ़क जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम इस तरह के वी ब्लॉक काम में लेते हैं। तो वी ब्लॉक में क्या होगा, जैसे यहाँ पे हमारा ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट इस तरह से लग जाएगा और ये बाहर का जो ये क्लैंप है, इस क्लैंप से हम इसको टाइट कर देंगे। अब ये वर्क पीस जो है इस पर टाइट हो जाएगा बिल्कुल, वो इधर उधर मूव नहीं हो सकता। उसके बाद हम इस पर ड्रिल कर सकते हैं। तो वी ब्लॉक की सहायता से भी हम इस तरह से कर सकते हैं। और ये वी ब्लॉक जो है टी बोल्ट या किसी भी सहायता से हम टेबल पे लगा देते हैं, उसके बाद वी ब्लॉक के ऊपर हमारा जो वर्क पीस है जो सिलेंड्रिकल हो, ठीक है ना, सिलेंड्रिकल बेलनाकार जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम इस तरह से इस पर लगा सकते हैं। ये अलग अलग तरह के चक और ये इसमें दिखाए गए कि जैसे ये आपके ये चक है, ये ड्रिल ड्रिप स्लीव है, ये ड्रिप्ट है, इस तरह से किस तरह से ये सारे डायग्राम जो इसी में लिए हैं उनको भी दिखाया गया। ये कीलेस चक है, इसका फोटोग्राफ दिखाया गया आपको। ये की वाला चक है, ठीक है, ये चक की इस तरह की होती है। तो ये अलग अलग तरह की चीज़ें ये है।
तो ये हमारा ये चैप्टर में थोड़ा सा ये पोर्शन बचा था तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब एक्चुअल ड्रिलिंग ऑपरेशन तो आप वहीं पर करेंगे जहाँ पे मतलब हमारे वर्कशॉप में ही करेंगे, ठीक है ना। तो आप अगर इसमें आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हो।